यह अनडिस्कस मैनिपुलेशन इस वीडियो का पार्ट 2 है। ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और शायद ही आपको ये इंटरनेट पे देखने मिलेंगे। आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं देखा होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ जाएगा कि कैसे लोगों की बातों में फंसना नहीं है जब वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करें। नंबर 1, वो मेक श्योर करते कि उनकी बात आपको सुनाई दे। अब ऐसे लोगों को अपनी बात कैसे भी करके मनाना है, अब चाहे सामने वाले को परेशान करके क्यों ना हो। ये ना वो नहीं इन शब्दों को सुनना पसंद नहीं करते, और वो अपना बात मनवाने के लिए ये एक चीज करते हैं बहुत चीजों में से। वो मेक श्योर करते हैं कि उनकी बात सुनाई दे, बट नॉट इन अ गुड वे, बाय यलिंग अराउंड ओवर एंड ओवर अगेन विद देयर डिमांड्स। गुस्से में जो भी इंसान ठीक से ना सोच पाए तो वो इस वजह से उसे सिर्फ उस वक्त अपना दिमाग शांत करना होता है, उसके लिए वो परेशान होकर कोई भी बात मानने को तैयार हो जाता है। अगर तकलीफ देने वाले को उसका काम इस तरीके से निकलते देखा तो वो परेशान करने की आदत पड़ जाती उसे, और ऐसे तरीके से बात मनवाने का, एंड सच पीपल नेवर फील गिल्ट अबाउट इट। सॉल्यूशन, ऐसे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट ना रखे अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्व करना हो तो। दूसरा, तुम्हारे स्टेटमेंट का जानबूझ के सबसे बेकार मतलब निकालना। समझो अभी एक डिबेट या फिर एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपने अगर एक पॉइंट प्लेस कर दिया जिधर सामने वाले को उसका गलती मानना पड़ सकता है या फिर आपसे एग्री करना पड़ सकता है, तो वो ऐसे मेथड्स यूज करते हैं। अभी ये सुन के लगेगा कि व्हाट्स द बिग डील। द डील इज कि कुछ लोगों का ईगो इतना बड़ा रहेगा कि ये दोनों में से एक भी चीज करना जान पे आता है और फिर वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। Now if you place a point, I only believe in give and take contact, मतलब एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दे, जिसपे सामने वाला या वाली in this case will reply with, अच्छा मतलब लोगों का use करके उन्हें फेंक दो। ये कई बार लोग तब करते हैं जब उनको आपसे किसी तरीके की चिड़ो, दुश्मनी हो, या आपको नीचा दिखाना चाहते हो, या फिर वापस वो आपसे agree करना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों को बहुत बार पता भी रहता है कि तुम्हारे बात का कोई खराब मतलब नहीं था, फिर भी इस तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे टू मेक इट वे टू ड्रामेटिक, और उन्हें बहुत बार पता रहता है फिर भी वो जानबूझ के बात का मतलब पलट रहे होते हैं, क्योंकि बहुत बार वो अगर सही बात नहीं कर सके तो वो आपको गलत बना दे, और ये चीज ऑब्जर्व करने की वजह से उनके गलत होने पे आपको गुस्सा आए तो आपके मन में चोर है बोल के आपको गलत दिखाएंगे झूठे तरीके से। ऐसे मामले में गुस्सा ना करें और दिमाग शांत रखें। ये ट्रिगर ट्रैपिक रिलेटेड है जिसपे मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, आप वो भी देख सकते हो, ऊपर वीडियो का सजेशन दिख जाएगा। नंबर 3, निशाना लगाते हैं और फिर उस पर हैमर करते हैं। अभी ये चीज डार्ट बोर्ड पर डार्ट्स मार के निशाने लगाने जैसा है। यहाँ पे फर्क ये है कि इंसान के मन पे निशाना लगा जाता है बातों से। अब क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट के बीच में ऐसे लोग तुम्हारा खराब करने के लिए तुमको जानबूझ के गुस्सा दिलाने वाले बातें बोलेंगे एक के बाद एक, और जैसे ही तुम्हारा किसी चीज पे या फिर किसी एक स्टेटमेंट में माथा फिरा, उधर उनका तुम पे हैमर करना चालू, क्योंकि इस पॉइंट पे उनको पता चल जाता है कि आप किस चीज से चिढ़ते हो, और फिर अगर तुम सही भी रहोगे तो तुम्हारा गुस्सा होना तुम्हें सबकी नजर में गलत दिखा देगा। फिर से सॉल्यूशन, एंगर मैनेजमेंट जरूरी है। 4, मेंटली ब्रेक एंड रूल। ऐसा तरीका वही लोग यूज करते हैं जो जिंदगी से परेशान रहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में उनको अच्छा लगता है। उनको इसमें खुशी मिलती है एक तरह से, क्योंकि अगर वो ऊपर नहीं आ पाते तो दूसरों को नीचे गिराना वो प्रिफर करते हैं। सॉरी बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ, बट आप खुद ही ऑब्जर्व कर लो, इन जैसे लोगों के सामने कभी इमोशनल रिएक्ट करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आएगा। ऐसे लोग तुम्हारे इमोशनल होने पे तुम्हें और खराब फील कराएंगे और फिर अंदर से कमजोर करने का काम करेंगे ताकि तुम्हारे सोचने की ताकत ना बचे। और कोई भी इमोशनल इंसान कभी दिमाग से नहीं सोच और सारी गलती अपने सर पे ले लेता है, अगर उसकी गलती नहीं भी रहेगी तो वो फिर किसी को भी उसके साथ बुरा करने देगा और कठपुतली जैसा बन जाता है और पंचिंग बैग भी। ऐसे मामले में जो लोग दूसरों को ऐसे तरीके से तकलीफ देते हैं उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगता, बट अपने लिए फायदा दिखता है ऐसा सब करने पे। सॉल्यूशन, ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट ना रखे अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्व करना हो तो, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें।